नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज तीसरा दिन था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और राष्ट्रपति मुर्मू जी के भाषण के साथ, स्पीच के साथ आज ये क्लोज किया गया है। हमारे साथ डेलीगेट से हम बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। थैंक यू। ये इतना बड़ा इवेंट उत्तर प्रदेश में भारत के लिए किस तरह से गर्व की बात है, और प्रेसिडेंट की बात आपने सुनी, उनकी स्पीच सुनी, तो क्या आपने अवलोकन क्या क्या आपको समझ में आई बातें? हाँ सर, ये हमारे भारत के लिए, हमारे यूपी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। हमारे लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। हम एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यही बात उन्होंने, प्रेसिडेंट ने भी बोली, काफ़ी मोटिवेटिव था उनकी स्पीच। मैम, आप एक तो महिला भी हैं, तो क्या आप निवेशक है, बिजनेस वूमेन हैं? बिजनेस है आपका? बिजनेस वूमेन है। किस नाम से कंपनी आप ऑपरेट? वैदिक इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ? लखनऊ में ही? लखनऊ में ही है, लखनऊ बेस्ड कंपनी है। हम प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज, फिनेकल की सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इन्वेस्ट, ये आईटी का भी था और इन्वेस्टर्स आ रहे थे काफ़ी, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो योगी जी महिलाओं को किस तरह से, नारी शक्ति की हम बात करें, महिलाओं को किस तरह से अपॉर्चुनिटी दिख रही है? आप महिला हैं, क्या कहना है? हाँ, बेहद अपॉर्चुनिटी है। MSME है और AODP, कल भी हमने उनका, योगी जी का सुना था, और वो श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी आई थी, उन्होंने भी काफ़ी बताया कि वुमेंस के लिए, काफ़ी वुमेंस क्या सबके लिए कर रहे हैं, सारे बिजनेसमैन्स के लिए वो कर रहे हैं और वुमेंस के लिए स्पेशली अच्छा कर रहे हैं। हम अपने एक और मेहमान को, पुनीत जी को, हम इनसे जुड़ेंगे। पुनीत जी, स्वागत है आपके स्टूडियो में। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करिए, बताइए किस नाम से। मैम के साथ ही हूँ, वैदिक इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में। हम लोग एक्चुअली IT कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द बैंकिंग डोमेन वर्ल्ड वाइड। एंड ये जो स्टार्टअप समिट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतने लार्ज स्केल पे किया गया है, ये एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया गया है यूपी के बिजनेसमैन को, वेयर इन वी कैन कम ईजिली एंड वी कैन अप्रोच एनी पर्सन, मतलब जिनसे हमें मिलना, बात करना, एक उनके आइडियाज़ को जानना, उनके व्यूज़ को जानना, इनफैक्ट गवर्नमेंट से भी इंटरेक्शन करना एंड मीटिंग द डेलीगेट्स ऑफ द डिफरेंट पार्टनर कंट्रीज आल्सो। तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फॉर एग्जांपल, वी हैड अ डिस्कशन विद ऑस्ट्रेलिया, UK एंड अदर टॉपिक्स पे भी डिस्कशन, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनका सोचना, क्या आगे प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। आखिरी सवाल मैडम आपसे किया जाएगा, जो आपकी कंपनी वैदिक इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सपेंड करने के लिए सोच रही हैं? जी बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही करने का सोच रहे हैं। जी, आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में क्या है, क्या डेजिग्नेशन? मेरी जी आपकी? मैं CEO फाउंडर हूँ। फाउंडर एंड CEO हैं। और पुनीत जी आपकी? सर मैं ऑपरेशनल हेड हूँ एंड मैं ऑपरेशन। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये लिया जाएगा कि महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक महिला उद्यमी हैं, किस तरह से महिलाएं घर की चार दीवारी से निकल करके अपने आप को वो प्रूव कर सकती हैं, इसमें क्या कहना है? जी अब तो आजकल तो ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम है, तो चार दीवारी से भी निकलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। चाहे तो घर बैठे भी प्रूव कर सकते हैं, बस प्रूव करने का मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे करना है कुछ। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकती हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IT अवेलेबल है ठीक, आप प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वी रेंट इनटू IT इंडस्ट्री, तो आप इट्स नॉट लाइक कि मतलब आज की डेट में, अब हमारे सेगमेंट में एटलीस्ट यू डोंट हैव टू गो एंड आउट इन द मार्केट, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो दैट यू कैन स्टार्ट वेल फ्रॉम द होम ऑल्सो या फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन ऑल्सो। एक्चुअली इफ यू सी द सिटी लखनऊ, लखनऊ में अभी बिजनेस सेंस ग्रो कर रहा है, नॉट लाइक कि Tier 1 सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद एंड ऑल। तो अगर आप वहाँ पे स्टार्टअप करते हैं और यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, देर इज़ अ डिफरेंस, बट बीइंग गोइंग ऑनलाइन यू बेसिकली ब्रिज दैट गैप अप टू लाइक 70-80%, नॉट 100% बट 70-80%। डेफिनेटली आपने सुना मैम को, CEO और फाउंडर हैं वैदिक इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की। तो बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।